I get up? Time is barely on our side. तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं परमजोत सिंह और आज आपके लिए फिर से लेके आए एक बेहतरीन सी वीडियो। तो गाइज, टाइम हो चुका है 12:07। तो आज की जर्नी हमारी स्टार्ट होने वाली है आनंद विहार बस स्टैंड से। तो आज का आपने वीडियो टाइटल देख ही लिया होगा, तो फिर भी मैं बताता हूँ कि आज हम जाने वाले हैं, आज हम जा रहे हैं नैनीताल। तो आज की जो हमारी जर्नी होने वाली है वो होने वाली है आनंद विहार से नैनीताल। तो अब हम जा रहे हैं बस में, जो रोडवेज की ऑर्डिनरी बस चलती है। तो अभी टाइम हो गया 12:07। तो अभी निकलेगी बस, तो ये वही पहुँचाएगी सुबह 4 या 5 के अराउंड पहुँचाएगी। तो यहाँ से काठगोदाम तक का जो इसका फेयर होने वाला है वो होने वाला है 450 के अराउंड। तो बाकी चलते हैं, फिर दिखाएंगे आपको पूरा। चलो दोस्तों, अपनी जर्नी का स्टार्ट करते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो गाइस। गाइस, टाइम हो चुका है 2:16 और हम पहुंच गए हैं गढ़मुक्तेश्वर। तो यहाँ बस ने पहला स्टॉप लिया है, इसके बाद सीधा ही बस जाके हल्द्वानी रुकेगी। तो यहाँ से हल्द्वानी अराउंड 200 किलोमीटर के करीब रह जाता है। तो गाइस, अभी इधर ड्राइवर साहब बहुत सही बस शीशे लेके आए हैं, इसी हिसाब से 6 बजे तक हमें हल्द्वानी पहुँच जाना चाहिए। उसके बाद वहाँ से थोड़ा फ्रेश होंगे वहाँ पे, और वहाँ पे हमारी बाइक खड़ी हुई है। तो फिर आगे की जर्नी हम वहाँ से बाइक पे करेंगे। वहाँ से अराउंड 30 किलोमीटर अराउंड रह जाता है नैनीताल। तो आपको वहाँ नैनीताल अच्छी जगह है। अगर किसी की 2 दिन की छुट्टियाँ हैं और उसका घूमने का मन है तो नैनीताल बेस्ट प्लेस है। नैनीताल में बहुत अच्छे टूरिस्ट प्लेस हैं, आपको 2 दिन में वो सब कवर करवाएंगे, आपको दिखाएंगे क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं नैनीताल में घूमने के लिए। तो दोस्तों, आपके पास अगर 2 दिन की छुट्टी है तो आपका अगर पहाड़ों में कहीं घूमने का मन कर रहा है तो नैनीताल आपके लिए बेस्ट जगह है। एक बार नैनीताल विजिट ज़रूर करें, बहुत अच्छी जगह है। वेदर बिल्कुल चेंज हो जाता है, अच्छा मौसम होता है, ठंडा मौसम होता है, और बहुत चीज़ें हैं वहाँ घूमने के लिए। मॉल रोड है और रोप वे है और झील है, बोटिंग कर सकते हो आप वहाँ पे। फिर नैना पीक वगैरह है, आपको सब कवर करवाएंगे, सब दिखाएंगे। तो चलो गाइस, निकलते हैं यहाँ से। गाइस, अभी टाइम हो गया 7:20, तो हम पहुंच गए हैं काठगोदाम। तो थोड़ा लेट तो हो गए हैं, बट कोई नहीं, अब हम पहले चलते हैं घर पे, फिर फ्रेश होते हैं थोड़ा सा, फिर रेडी वगैरह होंगे, फिर अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे। यहाँ से चलेंगे फिर नैनीताल। तो चलो गाइस, चलते हैं घर, रेडी वगैरह होते हैं, फिर करते हैं कंटिन्यू अपनी जर्नी को। तो दोस्तों, अब हो गए हैं रेडी, आए थे हम फिर फ्रेश वगैरह हुए, अब बिल्कुल रेडी हो गए हैं और बाइक में भी तेल वगैरह डलवा लिया है। तो बाइक भी हमारी रेडी है और बाबा भी हमारा रेडी है। तो अब निकल रहे हैं हम अपनी जर्नी की ओर। तो कंटिन्यू करते हैं जर्नी यहाँ से। तो यहाँ से नैनीताल अराउंड 35 किलोमीटर है। तो अभी टाइम हो रहा है 10:07। तो देखो, 1 घंटे 1.5 घंटे तक हमें पहुँच जाना चाहिए। तो चलो, टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी जर्नी को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आपको रास्ते में पूरा व्यू दिखाएंगे। मैं होप करता हूँ जैसे हम इन्जॉय करेंगे वैसे आप भी हमारे साथ इन्जॉय करें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना, और एक और बेल आइकन भी दबा देना। तो चलो गाइस, टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। तो लेट्स गो। Till I get up.
Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. दोस्तों यहाँ देखो पानी एकदम ठंडा पानी आ रहा है, तो सोचते हैं बाइक के इंजन को ठंडा करते हुए पानी डाल के, क्योंकि हमें थोड़ी जल्दी है ऊपर जाने की, तो इसलिए पानी डाल डाल के ठंडा करते हुए से पानी की कमी नहीं, पानी निकले जा रहा है। तो गाइस हम घर से निकल गए थे, हम एक्चुअली थोड़ा सा लेट हो गए, तो हम 11 बजे अराउंड 11 बजे के करीब घर से निकले हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 11:45, तो हम यहाँ पहुँच गए हैं, मतलब ऑन द वे हैं। तो गाइस हमारे प्लान में छोटा सा चेंज हुआ था एक्चुअली। हम पहले हमने सोचा था कि हम नैनीताल चलेंगे, तो बट हमने वहाँ पे पता किया तो वहाँ पे बहुत ट्रैफिक है और वहाँ पे भीड़ भी बहुत है, तो इसलिए हम 10 किलोमीटर पहले से ही ट्रैफिक लगा हुआ है, किसी को जाने नहीं दे रहे हैं। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम भीमताल चलेंगे, तो अब हम भीमताल जा रहे हैं। तो अभी हम भीमताल यहाँ से अराउंड 8 किलोमीटर है, तो पहुँच जाएंगे और आधे घंटे तक पहुँच जाएंगे। और मैं आपको यहाँ का अपने पीछे का व्यू दिखाता हूँ, तो आप व्यू एंजॉय करो। तो चलो गाइस आपको रास्ते में पूरा व्यू दिखाते हुए लेके जाएंगे, पहले आप यहाँ का व्यू एंजॉय करो। तो गाइस व्यू देखो यहाँ से कितना प्यारा आ रहा है, जहाँ तक दूर तक देख रहे हो वहाँ तक ही पहाड़ दिख रहे हैं, तो बहुत अच्छा लुक आ रहा है। तो बाबा कैसा फील हो रहा है भाई यहाँ पे? मज़ा आ गया, मस्त लग रहा है। तो बाबा तो पूरा एंजॉय करता हुआ। तो हमने सोचा है या तो हम आज शाम को नैनीताल जाएंगे, या तो फिर कल सुबह मॉर्निंग में नैनीताल जाएंगे, बट नैनीताल ज़रूर जाएंगे। तो देखो गाइस कितना प्यारा व्यू है। तो गाइस अब हम सोच रहे हैं कि आगे निकलने के लिए अराउंड यहाँ से 8 किलोमीटर रह जाता है भीमताल। तो गाइस हम सोच रहे हैं कि अब सीधा चलते हैं ऊपर, वहीं रुकेंगे, वहीं थोड़ा स्टे करेंगे, तो भीमताल में घूमेंगे फिरेंगे और आपको भी दिखाएंगे सब कुछ। तो चलो गाइस टाइम ना वेस्ट करते हुए भीमताल चलते हैं। तो गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं भीमताल, तो आपको यहाँ पर लेक का व्यू दिखाता हूँ। तो देखो गाइस कितनी प्यारी लग रही है। जो ये आप देख रहे हो बिल्कुल लेक के बीच में, ये पहले रेस्टोरेंट हुआ करता था, बट अब इसे एक्वेरियम कैफ़े बना दिया गया है, मतलब एक्वेरियम बना दिया गया है। तो इसके अंदर बोट टाइप्स की मछली है, अगर इसमें अगर आप जाना चाहते हो तो यहाँ से आपको बोट मिलेगी, बोट के थ्रू आप यहाँ पे जा सकते हो। तो दोस्तों जो ये झील है, इसी झील पे डैम बनाया गया है, कि जब इसका पानी ओवरफ्लो हो जाए तो उसको थोड़ा निकाल दें। तो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये है डैम, मतलब छोटा सा ही डैम है, 2-3 साइड है इसकी, ये अभी एक साइड ही खोल रखी है। तो इसमें जब पानी ओवरफ्लो हो जाता है तो इसको यहाँ से निकाल देते हैं। अभी भी काफ़ी पानी खोल रखा है एक्चुअली। ऊपर जब पहाड़ों में बरसातें होती हैं तो वहाँ का सारा पानी इसी झील पे आता है, तो जब इस झील में पानी ओवरफ्लो हो जाता है तो फिर इसको डैम के थ्रू निकाल देते हैं यहाँ से।
तो देखो गाइस फिश दिख रही होंगी आपको, अल्टीमेट व्यू है, अल्टीमेट व्यू। तो दोस्तों फिश के साथ साथ इसमें डक्स भी रहती हैं, ये देखो आपको दिख रही है। डक्स भी हैं, एक इधर है, उधर भी बहुत सारी हैं, इसलिए कैमरे में आने लिए उधर भी हैं, वो लेटी हुई हैं आराम कर रही हैं। ये भाई लोग तो झील में ही नहा रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं। ये तो खतरनाक स्विमर्स हैं। दोस्तों देखो डक कितना मजे में तैर रही है, आराम से पानी का आनंद लेती हुई, एक ये रही एक वो आगे है, आराम से, इनको कोई टेंशन नहीं है, आराम से घूमते रहो। तो लोग एक्चुअली ऊपर से इनको इनका चारा डालते हैं, ब्रेड्स वगैरह डालते हैं, तो इसलिए यहीं घूमती रहती हैं। अभी और भी आ जाएंगी इन्हें देख देख के। तो गाइस ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, तो इसकी आगे की वीडियो एक नए ब्लॉग में स्टार्ट करते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबाना। तो चलो इसकी आगे की जर्नी अपने नए ब्लॉग में स्टार्ट करते हैं, इसी के पार्ट टू में। तो चलो गाइस उसको स्टार्ट करते हैं। तो गाइस प्लीज़ बेल आइकन भी दबाना और लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर देना। तो ओके मिलते हैं ब्लॉग टू में, ओके बाय बाय।